स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम थारा एमएलए में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज हम मौजूद हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र में। देखा जाए तो हरियाणा के गुड़गांव से 26 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों में स्थित ये पटौदी शहर आज कितना विकसित है, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। देखा जाए तो पिछले चुनाव में ऐसा पहली बार रहा जब पटौदी विधानसभा क्षेत्र में किसी महिला ने पहली बार जीत दर्ज की हो। मोदी लहर पिछली बार भी देखी गई, तो इस बार यहाँ की जनता क्या चाह रही है, इस बार क्या समस्याएं सर्वोपरि है या फिर देश के विकास को ही इस बार भी यहाँ की जनता तवज्जो दे रही है, यही जानने के लिए आइए चलते हैं, जायजा लेते हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र का, जानते हैं यहाँ की जनता क्या कहती है अपने एमएलए को लेकर। नवाबों का शहर इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें लोगों को है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। थारा एमएलए यानी यहाँ के जो विधायक हैं, ये लोग यहाँ से खुश है या नहीं, आइए देखते हैं। इस वक्त हम होलिका मैदान में यहाँ मौजूद है, काफी मशहूर ये मैदान है, और अगर यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं यहाँ के विधायक से वो कितना खुश हैं। तो भैया, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ अगर हम समस्याएं देखें, पिछले 5 साल में समस्याएं सुलझी हैं जो चली आ रही थी या खत्म हुई हैं? अभी तो कुछ नहीं सुलझा है, सब चीज़ नॉर्मल ही है। अगर बाय द कमेटी को लेकर चले तो 15 साल में इस बार सबसे बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, हाँ जी, इन 5 सालों में? जी, 5 सालों में जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। 15 साल से पहले बेटर हुआ है, जो 15 साल में नहीं हुआ वो इस बार हुआ है। प्रॉब्लम, समस्याएं यहाँ पर क्या क्या? समस्या ये थी, सीवर लाइन नहीं थी, सड़कें कच्ची थी, सबसे बड़ी तो गंदगी की थी। हमारे यहाँ इस मोहल्ले में कूड़िया थी बहुत ज़्यादा, कूड़े का ढेर लगा हुआ था। हमने जैसे ये भाई है सब ने मिलके ट्रैक्टर लगा के कूड़ा उठवाया, फिर 50-50 रुपये लिए। मतलब ये जो सब काम है वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने किए? जी जी जी, हमारे मोहल्ले वालों ने किया है सब। और आपके एमएलए साहब? एमएलए साहब तो हमने आज तक देखा ही नहीं, और जो हमारा वार्ड पार्षद है वो हमें सपोर्ट करता है कुछ भी करने के लिए। मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज वार्ड में करनी होती है तो हमारे जो वार्ड पार्षद है वो हमें फुल सपोर्ट करता है। पार्षद विधायक की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है? आज तक देखा ही नहीं विधायक। हमारे विधायक की तरफ से पूरी सपोर्ट है जी, हमारी विधायक की तरफ पूरी सपोर्ट है जी। हाँ जी, ये कह रहे उन्होंने काम नहीं किया। वार्ड मेंबर ने हमारा काम किया है, खूब किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। अब आने के बाद 5 साल के बाद में अब काम किया है जी, पहले कोई काम नहीं था जी, अब आने के बाद में काम किया है जी। हमारे पहले भी यहाँ पे गंदगी थी, बच्चे बीमार रहते थे, बड़े बूढ़े मरते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें बात। अब आने के बाद में इतना काम कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ जी। अब फिर से विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार? देखते हैं, जो जो काम करेगा वही आएगा, उसी को सपोर्ट करेंगे। काम तो कर दिया ना, 5 साल का वक्त तो अब निकलने वाला है। बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि अभी तक जो चल रहा है देश में, मैडम जो केंद्र सरकार है, हमारी तो सरकार बीजेपी की है। ये जो काम हुआ ऑर्डर ग्राउंड में, ये कांग्रेस, आप आगे आइए ना, आप आगे आइए, आगे आके बताइए क्या कह रहे हैं। ये 2014 से पहले का ग्राउंड बना हुआ है, कांग्रेस सरकार का काम हुआ ऑर्डर, बीजेपी सरकार का अब लग कोई काम नहीं हुआ। पर कोई भी इनकी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी का कोई काम नहीं है, फेल है सब योजना। तो काम किसने किया फिर? काम जो ये पहले आपके सामने जो पुरानी टायर लग रही, कांग्रेस का टाइम का ही काम हुआ ओडे। तो इनसे पहले तो INLD के विधायक थे, यहाँ INLO के विधायक थे ना? INLO के विधायक थे, पर उसी टाइम का काम 2014 से पहले का हुआ। अच्छा, मतलब पिछले 5 साल में आपको कोई काम नहीं लगा? नहीं, तो आप कोई काम नहीं हो, देख लो आपके सामने सब के लिए पुराना है सब। क्या क्या समस्याएं, क्या क्या? अब समस्या तो है, ये सीवर है, ये ऐसे बेकार तीसरे दिन भर के खड़ा हो जाओ। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी आंटी दिक्कतों की हम बात कर रहे हैं। समस्याएं खत्म हुई है या बढ़ती है? समस्या तो एक हुई है, सही पहले तो नू ही था। क्या क्या दिक्कतें थी? दिक्कत कूड़ा की भी दिक्कत थी, पूरे कूड़ा भी कोई नहीं उठा रहे थे। आगे समझ में, अब ये बना प्रधान ने कूड़ा भी करे सारा बढ़िया रोक कर दिया। आपकी विधायक, विधायक ने काम किया आपकी? क्या क्या है बढ़िया? चलिए और लोगों से यहाँ बात करते हैं और उनसे हम कोशिश करते हैं। आप बताइए भैया, विधायक ने काम किया या नहीं? कराए जो राग करता रहेगा, जब ढंग से करेगा तो वोट भी देंगे। नहीं, ढंग से तो अब कर लिया ना, 5 साल का वक्त तो बीत गया।
और जो काम करेगा उसको वोट दे देंगे। समस्या है बताओ। समस्या यहाँ पे पहले थी कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं था, लेकिन बीजेपी के आने के बाद कांग्रेस में कोई काम नहीं होता। बीजेपी के आने के बाद इस ग्राउंड में पानी बड़ा खड़ा रहता था, बच्चे डेंगू मच्छर के होते थे और बहुत बच्चे मर जाते थे। अब वाटर हार्वेस्टिंग लग चुकी है हमारी बीजेपी की तरफ से, हम बीजेपी को वोट करेंगे। एमएलए आज तक नहीं आया, जो सहायता मिली है जो वोट देते हैं मोदी के नाम से वोट देते हैं, ना कि एमएलए को वोट दे रहे हैं। एमएलए यहाँ की बिमला है, चौधरी है, जिन्हें आज तक ये आके नहीं देखा कि यहाँ भी कोई मोहल्ला कौन सा वार्ड है कौन सा नहीं है। अब ये थोड़े पहले बता रहे थे 6 लाख कुछ यहाँ के ग्रांट पास हुए पार्क की, ये पार्क बच्चों की अपनी सहायता से बना है, कोई अधिकारी का पैसा नहीं है, कोई नगर पालिका का एक रुपया नहीं। शिकायतें कभी आप लोगों ने की इस बात की? मैडम मेरा तो अब पड़ा, हमने कभी 6 लाख यहाँ के पास हुए हैं, यहाँ पे इतना भारी कूड़ा था कि यहाँ भी निकल नहीं सकते थे। वो लोग भी वो काम भी आप ही लोगों ने किया? बिल्कुल सहयोग, सब बच्चों का मिलकर सबने सहयोग करा है। 50-50 रुपए मिला गए, ये बेचारा नन्ना बालक बीमार हो जाओ, इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में इनको इलाज करवाया हमने, बड़ी मुश्किल से खून पे नथ कम से। तो अब आप क्या सोच रहे हैं फिर से? अब 1.5 महीने का ही वक्त है, शायद विधानसभा चुनाव होंगे, वोट देने जाएंगे, क्या करेंगे बताओ? वोट देने जाएंगे, हमारे मोदी की वोट रहेगी जो इतना ग्रुप खड़ा है सबका। लेकिन इलाके का विकास तो विधायक करेगा ना? विधायक क्या करने वाला है? आप 5 साल से पहले ही विधायक नहीं किया तो क्या करेगा? 14,000 मिले थे मैडम, अब वो 7,000 14,000 लिख दिए रुपए, 7,000 दिए सबके लिए पूरा मोहल्ला। हमने मिला भी ना 14,000 लिख गए, 7,000 रुपए दिए सबके लैटरिन। शिकायत भी की एक बार, दो अधिकारी से मिले, अधिकारी आए नहीं है पैसे, पर जहाँ 14 की लिखी थी वहाँ 7,000 रुपए इनको दिए। मोदी सरकार, मोदी जी के विधायक से खुश है नहीं लेकिन जिंदाबाद। हाँ मोदी से खुश है ना, देश के लिए कितना काम किया है मोदी ने। इलाके के लिए कौन करेगा आपके? इलाके के लिए तो हमारा वार्ड मेंबर ही होता है, हमारे वार्ड के लिए हमारा वार्ड मेंबर होता है और हम गए। पानी में कीड़ा, ये छोटे छोटे बालक भी मारा जाएगा, ये मर गया। चलिए तो यहाँ के लोगों की जो सोच है जिस तरह से सामने आ रही है, मोदी लहर यहाँ पूरी तरह से देखने को मिल रही है, इलाके का विकास है नहीं, अपने बूते पर यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, समस्याएं सुलझा रहे हैं, विधायक से बिल्कुल खुश नहीं है लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार है। तो ये है होलिका मैदान के आसपास की जो जनता, उनका मत, वो इस विधानसभा चुनाव में क्या चाह रहे हैं ये उन्होंने साफ किया। चलिए पटौदी विधानसभा के किसी और इलाके में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या कहना है वहाँ की जनता का। अम्मा जी आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा तो पटौदी घूमने के लिए आए हैं, कुछ समस्या है दिख रही है अम्मा? कुछ दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। और यहाँ के कौन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटौदी का हूँ। पटौदी के हैं, क्या कुछ दिक्कतें वगैरह है? दिक्कत मैडम कुछ भी नहीं है फिलहाल तो, वैसे जाम की दिक्कत रहती है ज्यादा तो। अच्छा ये दिक्कत कब से है जाम? ये दिक्कत ये अभी फिक्स 6 महीने से ज्यादा है, ये यहाँ पर रोड पे जाम ही जाम रहता है। ऐसा क्यों, अब 6 महीने से क्यों समस्या हो गई है? 6 महीने से पता नहीं, वो तो प्रशासन को पता चलेगा क्यों है क्यों नहीं है। पहले नहीं रहता था जाम? पहले कम रहता था, ज्यादा। अच्छा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है तो लग रहा है कि पिछले 5 साल में विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ, बीजेपी के विधायक आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या और क्या समस्या है? के पास जाते हैं तो काम करवाती नहीं है कुछ भी। अच्छा, जैसे? जैसे कुछ भी नहीं है, ग्रुप डी के लिए गया था मैं तो उसमें नहीं हुआ। हाँ बोली नहीं होगा, अब ग्रुप डी में ये बोली ग्रुप डी में नहीं करवा सकती, और किसी में करवाती हूँ, ग्रुप डी में ही नहीं चली तो और किसी में चलेगी उसकी, यही बात। तो बीजेपी सरकार तो कहती है युवाओं को बहुत रोजगार, सरकार तो कर रही है, यहाँ पर जो बैठे हुए तो नागर है अपने गांव के ही जो है युवा बेरोजगार, सरकार तो कर रही है, यहाँ के तो नहीं कर रहे जो बैठे हैं यहाँ पे काम करने वाला। आगे सरकार पैसा भेजा तो रख ले या पता ना कितनी भेज दे। तो यहाँ पर एक समस्या ये रोजगार को लेकर रहा है, यहाँ बाबा से बात करते हैं कि कितने
कितने टाइम से अंकल यहाँ पर? समस्या तो मैं जब बताऊँ मतलब दिखाए या आगे पहुँचाए, तो ऐसे तो घड़े यहाँ कोई आगे तक पहुँचाए ना कि समस्या। तो घड़ी में हमें कोई बताए तो सही समस्या है? हम तो यहाँ क्या क्या समस्या है जैसे? सबसे पहले तो पटौदी में बाईपास कम 5 साल हो गए, नाम लिए बाईपास नहीं बना यहाँ पे। 1.5-2 साल होगी पब्लिक परेशान करती है। फरूख नगर वाली रोड पे कोई बस ही नहीं चल रही, एक चलती है सुबह 9 बजे, फिर आई 2 बजे, फिर 5 बजे, एक ही बस हो सिर्फ, वो भी आए या ना आए सवारी। देखो भाई इधर घुमा भाई साहब कैमरा, सारी फरूख नगर की सवारी वो हमने बात करी है। कोई बस नहीं है, जो भी हमारे यहाँ के विधायक है वो उसमें बहुत जोर लगा रखा है कि भाई हमें बाईपास बने, लेकिन नहीं बनता बाईपास। सबसे बड़ी समस्या कि बाईपास बन जाए तो ये सारी रोड जो बंद है जाम लग रही है वो हो जाए, सुविधा सबसे बढ़िया। विधायक काम कर रहा है कि कर रही है या नहीं? विधायक काम कर रही है, लेकिन काम तो करिए ना, लेकिन एक बाईपास काम दिख नहीं रहा। काम बहुत हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा जो काम हो रहा है, तो यानी नहीं हो रहा। इसका मतलब और समस्या ये है कि बाईपास हो जाए, एक पानी की समस्या सबसे बड़ी है। जब से ये पानी नहर का है ना सब बीमार हो गए, सबके गोड़ों में दर्द है, पानी में कीड़े निकलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये नहर का पानी जोड़ा पटौदी में, सारे कीड़े भी निकलते हैं उन पानियों में। तो मतलब समस्याएं इन 5 सालों में बड़ी है, कम नहीं हुई है? काम नहीं हुए, 5 सालों में समस्या बड़ी है। तो क्या इस बार किसको वोट देने वाले हो? वोट देंगे हम तो, देंगे बहुजन समाज पार्टी को, कोई दे तो दे अलग। अच्छा, हम तो हाथी के पक्ष हैं। अच्छा, हम तो हाथी आई तो नहीं एक बार भी? अच्छा ना आए, लेकिन वोट गिनती तो होती है, राष्ट्रपति बनेगा तो हमारी वोट से बनता, गिनती तो वोट में वहाँ बढ़ती है। चलिए, तो इनके लिए समस्याएं बहुत है और इन्हीं समस्याओं को गिनाते हुए एक बस सुविधा बाईपास को लेकर जो है ये लोग बात कर रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। बाबा कब से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? आप करें उनके पास भी जाएंगे, आप बताइए ना कब से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? मैं लगा रहा हूँ कम से कम 20 साल। 20 साल से? तो 20 साल में तो आपने कई सरकारें आती हुई देखी, जाती हुई देखी, मतलब ऑलमोस्ट सभी सरकारों को देख लिया। सबसे अच्छा किसमें लगा? सबसे परेशान लोग अब है फिलहाल। अच्छा, सबसे परेशानी लोगों को अब हो रही है। मेन चीज तो ये भाई बता रहा था वही बस वाली दिक्कत, ना तो बस है एक जाम लग, या तो जाम नहीं है संडे की वजह से, नहीं जाम इतना रहे यहाँ भैंस निकल नहीं जाए यहाँ से। अच्छा, जाम की बहुत बड़ी समस्या है, पहले भी रहता था या बस की सुविधा तो पहले भी नहीं होगी? 5-4 साल से अभी दिक्कत हुई है। अब साधन सबके पास हो गए, किसी पास साधन नहीं, सबके पास साधन, लेकिन तो साधन सबके पास है। तो पहले बसेस थी इस रूट पे? बस बहुत थी, ये बोर्ड लगा पड़ा है बस का अभी, तो अभी बंद कर दी गई है? बंद कर दी गई है, 2 साल हो गए अभी बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, बोर्ड जाके देखो आप, बस बहुत ही हर आधा आधा घंटा में जाएगा, पब्लिक परेशान है। अम्मा जी आप भी यहीं रहने वाली हैं? पटौदी कैसा लगता है? पटौदी गंदी है गोरी, क्या पटौदी है? मोलम साल के देखे पर बीरबार अली को धर्म को ना बगोटिया का सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है कुछ भी, जाकर मेरे घर कहते वहाँ देखे पर मोहल्ला में एक बार कितनी गाड़ा तेरी पड़ी गाड़ा में नहीं कूड़ा उठे गाड़ा माता है। अच्छा, चलो मेरे ख्याल चल मैं दिखाऊँ तेने एक बार। तो ये जो गंदगी है ये दिक्कतें हैं ये इन 5 सालों में ज्यादा बढ़ी है या कम हुई है? पहले भी ना कम हुई सर, कम हुई सर, वो पारी मोला इतना गंदो है अब घाटो मार्ग में निकलेगा। परेशान तो अब भी है आप? परेशान तो आए और क्या करा फिर नो बता तू ले चल कहा ले चलेगी मैंने एक बार मैं तू भाषण आई सर ना ना अम्मा जी भाषण ना देना और दिक्कतें बतानी आप जिन दिक्कतों में रह रही हो। दिक्कतें हैं या तो वो बेटी को लिखने को धर्म ना है कसाई मोला इतना खराब सा कि ना सुधारण क्यों करे मोदी तक पहुँचाओ नहीं खबर मारी अब कितनी दिक्कत हो रही है सर। वहीं तक तो पहुँचाने आए इसलिए तो बात कर रहे हैं आपसे। हाँ तो एक बार चलो वहाँ मोहल्ला में चलो जब मैं दिखाऊँ तुम दिक्कत क्या। बिल्कुल, आप अगर अम्मा जी की बातें सुने तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी परेशान यहाँ की महिलाएं भी हैं इस तरह से। वो पानी मैं सुनो मैं बताऊँ जहाँ से बाढ़ बेटी लेकर वो बेटी को ऊपर कूड़े लेकर वहाँ पर इतनी गार चढ़ी हुई है। अच्छा, इतनी गंदगी है, पाडा मंडी लगती है वहाँ पर, भीड़ इतनी रहती है, क्या पाडा मंडी कटवाओ यहाँ से कहीं बड़ा करवाओ, आपस में गाड़ी को उतार पकते हैं ये सारे तो लेकिन को राय नहीं है वहाँ पर। चले, तो ये समस्याएं हैं यहाँ पटौदी की। इस वक्त हम हेली मंडी रोड पर यहाँ मौजूद हैं और बस की एक बड़ी समस्या, क्योंकि यहाँ पर अब बस की कमियाँ हैं, जो पहले कई रूटों पर कई बार जो बसेस चलती थी वो अब उसी रूट पर सिर्फ एक बस चलती है। इसी तरह यहाँ बाईपास को लेकर काफ़ी लंबे समय से डिमांड हो रही है वो अब तक पूरी नहीं हुई है। तो विधायक से कुल मिलाकर असंतुष्ट यहाँ के लोग दिख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, कोई मोदी लहर में चलना चाहता है तो कोई काम को तवज्जो देना चाहता है। तो हेली मंडी रोड के आसपास की जो जनता थी इनकी राय हमने आपके सामने रखी। आगे बढ़ते हैं और पटौदी विधानसभा में और दूसरे इलाके में चलते हैं, क्या कहती है वहाँ की जनता।
रोड पर ही कुछ आगे चले तो यहाँ पर हमें कुछ और भी लोग मिले जो सालों से यहाँ रह रहे हैं और शुरुआत से उन्होंने इस इलाके की सूरत बदलती हुई देखी है, तस्वीर बदलती हुई देखी है, अलग अलग सरकारों को बनते और जाते हुए देखा है। तो आज या ये कहें पिछले 5 साल में क्या पटौदी की तस्वीर बदली है या नहीं, आइए जानते हैं। तो आपसे मैं पूछूंगी अंकल, पिछले 5 साल में अगर पटौदी को आप फिर से उसका वर्णन करेंगे तो अच्छाई की तरफ जाएगा या समस्याएं बढ़ी? समस्याएं बढ़ी है, कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ है यहाँ पे। 9th, 10th, 11th, 12th तक कोई स्कूल नहीं है। 100 साल इस मंडी को बसे हुए हो गए, हेली मंडी को। स्टेशन का नाम है पटौदी रोड, पटौदी के नाम से है। यहाँ कोई स्कूल नहीं है, गर्ल्स स्कूल है प्लस टू तक, बॉयज़ के लिए कोई प्लस टू का स्कूल ही नहीं है, 8th तक है। 8th तक है, हाँ। अच्छा। कोई स्कूल नहीं है, गरीब पेरेंट्स हैं, वो भी इतनी 1000 रुपये 2000 रुपये फीस नहीं दे सकते। तो यहाँ के लड़के फिर पढ़ने कहाँ जाते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, या तो प्राइवेट में पढ़ते हैं, खलीलपुर जाते हैं, शेरपुर जाते हैं, पटौदी। अच्छा। जाते हैं, खंडेवाला जाते हैं, कारोला जाते हैं। तो कभी किसी विधायक ने ये कहें कि जो अब मौजूदा विधायक है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ शिक्षा कितनी? सिर्फ आश्वासन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब भी विज्ञापन 1-2 दिन पहले जटोली गांव है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर ऊपर में, वो विज्ञापन उन्होंने तैयार किया है, वो भेज रहे हैं क्योंकि अब चुनाव सर पे है। हाँ, बाकी सुनाई नहीं है। अब जो कि मेन समस्या सबसे जरूरी है शिक्षा की तरफ भाजपा सरकार कहीं ना कहीं जो है अपना फोकस भी देती है, दिखाती तो यही है लेकिन तस्वीर क्या है ये आपको दिख रही है। आप बताइए अंकल, समस्याएं इस इलाके की? आप भी यहाँ रहते हैं, व्यापार करते हैं ना, कितने सालों से कर रहे हैं? कितने साल हो गए? कई साल हो गए। कई सरकारें देख ली, सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी? मोदी की बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। स्कूल तो है नहीं यहाँ 12th तक का, फिर रोड ही मैंने राजी रोड टूटा फूटा रोड हो रहे हैं सारे। तो फिर कैसे बढ़िया सरकार हुई, इलाके का विकास हुआ नहीं? वोट मतलब मोदी जी को दे रहे हैं? हाँ। और इलाके का विकास कौन करेगा फिर? करेगा, करेगा, देख के जाएगा। विधायक ठीक है यहाँ की? ठीक है सब। चलिए, समस्याएं बहुत है लेकिन फिर भी सब ठीक है, आप बताइए समस्याएं? समस्या है या नहीं है? समस्या इतनी नहीं है यहाँ पे, तो ये जो भी कोई काम होता है उसमें बीच बीच में जो है पब्लिक आके रोड अड़ाती है। पब्लिक? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। कोई काम होता है तो होने नहीं देते। तो पब्लिक कैसे नहीं होने देती? पता नहीं, कोई क्या कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रोड बन रहे हैं, रोड बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, वो लगा दिया RTI लगा दी। किस लिए लगा दी? कि जो रोड बनाते हैं ना वो खोद के नहीं बनाते, वो क्या करते हैं ऊपर ऊपर बना देते हैं, ठेकेदार और कमेटी वाले मिल जाते हैं आपस में, पैसे खा लिए, रोड बन गया, बारिश में फिर रोड खराब हो गया। तो जो अच्छे लोग हैं वो RTI लगा देते हैं कि भाई रोड वैसे बनना चाहिए। वो तो ठीक काम कर रहे हैं ना भाई, काम करो तो मजबूत करो। और तहसील में बिना रिश्वत काम नहीं होता, तहसील के अंदर मैं खुद एक काम के लिए गया था, मेरे से पैसे मांगे और आज काम आते नहीं हुआ। अब CM विंडो पे कल लगाऊंगा। तो लग रहा है निवारण होगा कुछ? ना, कोई नहीं होगा। आप बताइए यहीं के रहने वाले जी, क्या समस्या देखते हो इलाके में, है या नहीं? अभी तक तो कोई मुझे तो कोई जरूरत पड़ी नहीं कुछ काम की, क्योंकि पापा नहीं, काम की जरूरत नहीं पड़ी, बट आते जाते हो, साफ सफाई, पानी, बिजली, वो सब है। साफ सफाई तो रात को 10 बजे भी झाड़ू लगती है यहाँ पे। अच्छा। सब साफ सफाई तो बिल्कुल आराम से, बिजली पानी सब, रोड बिजली पानी, बिजली पहले कम आती थी अब तो बिल्कुल बिजली आती रहती है, जाती है तो 10 मिनट के लिए ज़्यादा गई बस। और पानी बिजली सफाई तो बिल्कुल सही है, और किसी की जरूरत आज तक पड़ी नहीं। तो ये बढ़िया है, आप बताइए। मकान बनाया 8 नंबर वार्ड में, ना तो वहाँ माटी डाली ना सड़क बनी, और पूरा मतलब पानी भरता है। सड़कें खराब हैं, पानी भरता है, नहीं सड़कें, माटी गिरी नहीं, किसी घर का गिर दी किसी घर का, हमेशा से ऐसा या 5 साल में ज्यादा प्रॉब्लम हुई है? अब ज्यादा प्रॉब्लम, अभी बनी कॉलोनी अभी बनाई है। अच्छा। हाँ, 5 साल ही हो गए, 5 साल से भी ऊपर हो गए, करता ही नहीं है। विधायक काम कर रहे हैं? विधायक काम नहीं कर रहे, तो अब फिर से चुनाव सर पर है, फिर से वोट देने जाएंगे? हाँ, फिर से ऐसे को क्या वोट देंगे जब काम ही नहीं करेगा, तो जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। चलिए, आप बताइए अंकल, शिक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या आपने बताई। अगर टाइम हो ना आपके पास, अगर टाइम हो 5 मिनट के लिए, MLA स्कूल में मीटिंग चल रही है मैनेजमेंट की, आप वहाँ आकर देखो। वहाँ देखिए, मीटिंग्स तो सब इस वक्त चलेंगी ही, खूब मीटिंग्स होंगी,
लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या करने वाली है? एजुकेशन की समस्या है, गरीब बच्चा इतनी फीस नहीं दे सकता, मजदूर आदमी है जो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 5,000 की नौकरी कर रहा है, वो 2,000 फीस कहाँ से दे देगा? शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है जो हर गरीब आदमी और उनके परिवार को मिलना उनका हक है, आप बताइए। मैं हरियाणा सरकार के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे हरियाणा सरकार कहती है कि 60 साल से ऊपर के हर वृद्ध की पेंशन बनती है, ऐसा करती है सरकार की कुछ इनकम या ऐसा वो लगा देती है, 8-10 आदमियों की पेंशन एक साल पहले काट ली जो कि 4 साल पहले ले रहे थे। अच्छा। हरियाणा सरकार ने 60 साल से ऊपर वालों की, तो ऐसा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं 60 से ऊपर सबकी पेंशन वृद्धों की बनाई जाती है। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर इन लोगों की पेंशन हरियाणा सरकार ने काट दी है। सबकी उम्र 60 साल से ऊपर जबकि क्या वजह दी गई इसकी? वजह ये दी गई कि इनकी इनकम, पारिवारिक इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा थी, जबकि 5 लाख तक तो इनकम टैक्स की अब माफ है। तो ये हरियाणा सरकार की बात मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। हमारे गांव में 9 वृद्ध विधायक तक पहुंचाई आपने? ये विधायक तक भी पहुंचाई, विधायक कहती है जी मैंने सीएम को दिया, मैंने वहाँ दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता उन्होंने दिया या ना दिया। तो मेरा सीएम से भी कल मिलने का विचार लगा आपको कि कुछ काम हुआ आपके इस मसले पर या टाल मटोल हो? टाल मटोल नहीं, मैं दो तीन बार इसकी आरटीआई भी लगा चुका हूँ, सीआईसी में भी जा चुका हूँ, पर सब गोलमाल करते हैं, अधिकारी को बचाना चाहते हैं। तो इस माध्यम से मैं अपनी बात, पहले पेंशन वेंशन की दिक्कत नहीं हुआ करती थी, अब दिक्कत, अब ऐसा है कि कुछ शर्तें लगा दी सरकार ने 2016 में, जबकि बहुत से लोग ऐसे ले रहे हैं, इन्हीं हम पे ही कैसा कुठाराघात क्यों? बिल्कुल, अब फिर से विधानसभा चुनाव सर पे है, अब आगे क्या सोच रहे हैं? अच्छा, सोचने की बात तो ये है जी, देखो आज सारा हिंदुस्तान मोदी में हो रहा है। आप मोदी में? हाँ मोदी में। अच्छा, और ये दिक्कत है जो आपकी सुलझ नहीं रही? नहीं नहीं, ये दिक्कत तो माइनर है, आगे इन बातों को उठाते हैं, जब हम कुछ नहीं कहेंगे तो सुनेगा कौन? कहा तो आपने विधायक तक पहुँचाई, सब तक पहुँचाई है, और भी बड़े अधिकारियों तक, मैं अधिकारियों हुआ कुछ नहीं? कुछ नहीं, फिर क्या? मैं आप किससे उम्मीद रख रहे हैं? मैं उम्मीद अब हरियाणा के सीएम से ही उम्मीद रखता हूँ कि मेरी इस बात को आपके माध्यम से भी पहुँचा दिया जाए। चलिए, उम्मीद अभी भी कायम, आप बताइए। बताओ अब फिर से सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, अपना विधायक चुनने का मौका मिल रहा है आपको? तो हम तो जी बीजेपी को वोट देंगे, दिक्कतों से जूझ रहे हैं, क्या करेंगे, इससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं आना भी। और विधायक? विधायक तो जी इलाके की देखरेख तो वही करेंगे, देखरेख काम हो भी रहे हैं। कुछ लोग जो मैंने बताया था अभी आपको, जो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई काम करवाता है तो उसको बीच में टांग अड़ाना, काम नहीं होने देना, काम तो ठीक हो रहे हैं, बिजली सड़कें वड़के सारी अच्छी तरीके से बन रही हैं। चलिए, तो मिक्स्ड माहौल यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि मोदी में माहौल हर तरफ देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है, विकास देखने को कम मिल रहा है, लेकिन देश का विकास सर्वोपरि इस वक्त सबके लिए है और इसीलिए शायद ये लहर भी वोट देना चाह रहे हैं। तो ये है पटौदी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ की जनता का हमने जायज़ा लिया और आपको बताया यहाँ की समस्याएं और क्या है जनता का मत। फिर मिलेंगे आपसे दूसरे एपिसोड में किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे वहाँ की जनता का हाल। फिलहाल नमस्कार।